फ्रेंड्स, RHEL6 के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम Redhat मशीन में VMware टूल्स इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में आपको टार स्टोर की सहायता से VMware टूल्स इंस्टॉल करना बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको रूट यूजर से लॉगिन करना है। अगर आपने रूट यूजर से लॉगिन नहीं किया है तो सबसे पहले रूट यूजर से लॉगिन करें। तो इसके लिए टर्मिनल ओपन करें और टर्मिनल में /-command एग्जीक्यूट करें रूट यूजर से लॉगिन करने के लिए। तो अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले से ही रूट यूजर से लॉगिन किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, VMware टूल सीडी इमेज आपको पीसी में इंसर्ट करनी है और बाद में आपको उसको सिस्टम में माउंट करना है। तो VMware टूल सीडी इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको कहाँ पर क्लिक करना है, VM पर क्लिक करके उसके बाद इंस्टॉल VMware टूल्स यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अभी ये VMware वर्कस्टेशन अपडेट सर्वर से कनेक्ट हो रहा है, तो अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं कैंसिल अपडेटिंग पर क्लिक करता हूं और साथ क्लोज पर क्लिक करें। तो ये आपकी VMware टूल सीडी इमेज इंसर्ट हो चुकी है। अब आपको इस इमेज को आपके सिस्टम में माउंट करना है। तो माउंट करने के लिए टर्मिनल ओपन करें और उसमें कमांड एग्जीक्यूट करें /dev/cd-rom/mnt। अब ये इमेज प्रॉपर माउंट हुई या नहीं तो ये चेक करने के लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है ls -l /mnt। तो ये उस इमेज का कंटेंट आपको डिस्प्ले कर रहा है, इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो प्रॉपर इस सिस्टम में माउंट हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, /mnt डायरेक्टरी में मूव करना है। उसके बाद क्लियर कमांड यूज करें, उसके बाद ls -l कमांड। अब आपको यह करना है, ये जो gg फाइल है इस फाइल को आपको कॉपी करना है tmp डायरेक्टरी में। तो उसके लिए आपको कमांड लिखना है cp और फिर उसके बाद उस फाइल का नेम और उसके बाद /tmp इस डायरेक्टरी में कॉपी करें। तो फाइल कॉपी होने के बाद में आपको tmp डायरेक्टरी में जाना है, तो उसके लिए कमांड है cd/tmp। उसके बाद क्लियर कमांड लिखें टर्मिनल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। उसके बाद ls -l कमांड लिखें tmp डायरेक्टरी कंटेंट को शो करने के लिए। अब आपको क्या करना है, ये जो gg फाइल है इसको एक्सट्रैक्ट करना है tar कमांड की सहायता से। तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कमांड लिखेंगे tar -xvf और उसके बाद x फॉर एक्सट्रैक्ट, v फॉर वर्बोज, ठीक है, और f फॉर फाइल नेम। और उसके बाद उस फाइल का नेम लिखें जिस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये उस फाइल का नेम है, उसके बाद एंटर प्रेस करें। तो ये वो फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है। फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद में क्लियर कमांड यूज करें, उसके बाद आपको जाना है cd vmware tools -distrib इस डायरेक्टरी में आपको मूव करना है। फिर एंटर प्रेस करें, उसके बाद क्लियर स्क्रीन कमांड यूज करें, क्लियर कमांड यूज करें। उसके बाद आपको ls -l कमांड यूज करना है इस डायरेक्टरी कंटेंट को शो करने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सेटअप है आपको रन करना है। तो इस सेटअप को रन करने के लिए आपको लिखना है /vm-install.pl और उसके बाद सेटअप शुरू करने के लिए एंटर प्रेस करें। तो ये आपका सेटअप शुरू हो चुका है। तो अब जो भी ये क्वेश्चन पूछे उनका आपको रेस्पॉन्स देना है। अगर आप चाहते हैं कि ये डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेप्ट करें तो आपको केवल एंटर प्रेस करना है। सेटअप पूरा होने के बाद में आपको सिस्टम को रिबूट करना है, तो उसके लिए रिबूट कमांड लिखें। देखिए VMware टूल्स
इसमें इंस्टॉल हो चुका है। इसको वेरीफाई करने के लिए सिस्टम पर क्लिक करें, फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, उसके बाद सर्विसेज पर क्लिक करें और चेक करें कि VMware टूल्स की सर्विस इनेबल है या नहीं, रनिंग है या नहीं। तो देखिए ये सर्विस VMware टूल्स इनेबल है और दिस सर्विस इज रनिंग, यानी ये सर्विस अभी रनिंग है। तो इस वीडियो में हमने Red Hat Linux 6 मशीन में VMware टूल्स इंस्टॉल करना सीखा है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।